मैं आपके साथ आशीष प्रमोद गोस्वामी। चित्तौड़गढ़ के गंगरार से खबर लेंगे। मेवाड़ यूनिवर्सिटी में बीएससी नर्सिंग की थर्ड ईयर में पढ़ाई कर रही जम्मू कश्मीर के 35 स्टूडेंट पिछले 3 दिनों से कैंपस परिसर में मुख्य गेट के सामने धरने पर बैठे हैं। छात्रों का कहना है कि मेवाड़ यूनिवर्सिटी का राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में एफिलिएशन नहीं होने के बावजूद उन्हें एडमिशन दे दिया गया। सभी स्टूडेंट का स्कॉलरशिप में चयन हुआ है। बिना यूनिवर्सिटी के राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या भारतीय नर्सिंग काउंसिल में एफिलिएशन हुए उन्हें एडमिशन दे दिया गया, जिससे छात्रों को अपना भविष्य खतरे में अंधकार में नजर आ रहा है। वहीं स्टूडेंट्स का आरोप है कि उन्होंने विरोध किया तो यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने उन्हें रस्टिकेट कर दिया। अब छात्र किसी दूसरी एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी में माइग्रेशन की मांग कर रहे हैं। वहीं मेवाड़ यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि सभी तरह की आताएं रखने और राजस्थान हाईकोर्ट के 2022 को दिए आदेश के बावजूद राजस्थान नर्सिंग काउंसिल ने यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन नहीं दिया, इसके खिलाफ हाईकोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत याचिका दायर की गई है, जिस पर कोर्ट ने फिर से नोटिस जारी कर जल्द से जल्द यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन मिल जाएगा ऐसा कहा है। ओम प्रकाश भट्ट हमारे संवाददाता कनेक्ट हो गए। ओम प्रकाश भट्ट, क्या है ये पूरा मामला, बताएं छात्र क्यों धरना दे रहे हैं? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा, ये जो छात्र है जम्मू कश्मीर के छात्र है, इनका स्कॉलरशिप पे चयन हुआ है, इनका चयन किया गया है। 3 साल से लगातार ये अध्ययनरत यहाँ है, लेकिन जैसा कि इन्हें जानकारी में आया कि राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में ये जो यूनिवर्सिटी है मेवाड़ यूनिवर्सिटी, इसका पंजीयन नहीं हो रखा, एफिलिएशन नहीं हो रखा है। जब से इन्हें जानकारी मिली तब से ये विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अभी शुरू नहीं हुआ है, करीब 2 महीने पहले भी इन छात्रों ने इसी तरह से यहाँ धरना दिया था, विरोध प्रदर्शन किया था, जिस पर जो यूनिवर्सिटी प्रबंधन है उनकी ओर से इन्हें आश्वासन दिया गया था कि जल्दी जो एफिलिएशन मिल जाएगा। एक न्यायालय में मामला विचाराधीन है, सभी अर्हताएं पूरी रखते हैं, उसे लेकर रिट दायर की गई है, लेकिन 2 महीने का समय बीत जाने के बाद भी जब ये इस तरह का एफिलिएशन नहीं मिला, उसके बाद जो ये छात्र है इनकी नाराजगी फूट पड़ी और ये धरने पर बैठे हैं। जी, अब इसमें मैनेजमेंट का क्या कहना है, जो कॉलेज मैनेजमेंट है उनका क्या कहना है? जी बिल्कुल, जो कॉलेज मैनेजमेंट है उनका कहना है कि हम सभी अहर्ता यहाँ से रखते हैं, जिन नियमों के तहत हमने इनको एडमिशन दिए हैं, हमें एफिलिएशन मिलना था, हमने उसके लिए आवेदन भी किया था, लेकिन उनका आरोप है कि यहाँ जो ये राजस्थान नर्सिंग काउंसिल है जानबूझकर हमें एफिलिएशन नहीं दे रहा है। इसको लेकर हम हाई कोर्ट में भी गए, हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी हमें एफिलिएशन नहीं दिया गया, उसके बाद हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हमने वापस रिट दायर की थी, उसके बाद दोबारा से इनको नोटिस दिया गया है, उस नोटिस के तहत जल्दी हमें एफिलिएशन मिल जाएगा और जो है इस समस्या का समाधान होगा। तो ये जो बच्चे हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं जिनकी संख्या 35 है, ये माइग्रेशन की बात कर रहे हैं, इनका कोई समाधान निकलता नजर आ रहा है या नहीं? जी, ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है जब मेवाड़ यूनिवर्सिटी के खिलाफ इस तरह से नाराजगी देखने को मिली है, ऐसा बिना एफिलिएशन के एडमिशन वाली बात है। ये पहले भी ऐसे मामले आए हैं, जो चीजें भी उजागर हुई है, छात्रों को ये भी जानकारी मिली है, तो उनका नाराज होना भी स्वाभाविक है। जो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि एफिलिएशन मिल पाएगा क्या, छात्रों को किसी ना किसी तरह से अपना जो भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, पुराने जो मामले देखे गए उन्हें देखकर भी छात्रों को अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है, इसी को देखते हुए उनका प्रदर्शन जारी है और अभी ये कहना मुश्किल है कि शायद अभी एफिलिएशन यूनिवर्सिटी को मिल पाए। जी, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। नर्सिंग छात्रों को भविष्य की चिंता है जाहिर तौर पर। अब मेवाड़ यूनिवर्सिटी का अपना तर्क है कि उन्होंने कहा है कि जल्द ही एफिलिएशन मिल जाएगा यूनिवर्सिटी को, तमाम बातें हैं, लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि इन छात्रों का क्या होगा।